नमस्ते दोस्तों, आपका कुक विद पिंकी चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे चुकंदर की सब्जी। ये सब्जी जिन लोगों में खून की कमी हो जाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बच्चे चुकंदर खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए भी क्या है कि सब्जी बना के हम बच्चों को दे सकते हैं। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। फिर देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से पहले चुकंदर को कट कर लेंगे। इसकी हल्की सी ये टाइट टाइट डाली है, इसको भी अलग कट कर देंगे। ऐसे इतने पत्ते रखेंगे हम। इसी तरह सभी चुकंदर को कट कर लेंगे। चुकंदर की सब्जी बनाने के लिए प्याज, हरी मिर्ची, एक आलू कट कर लिया है, चुकंदर के पत्ते और चुकंदर को कट करके रख लिया है। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी को और हेल्दी बनाने के लिए हम लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे तेल। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हींग और जीरा, कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हल्के ब्राउन हो गए, अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब सभी मसालों को मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से पक गया, अब इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे चुकंदर और चुकंदर के पत्ते। डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी पानी पत्तों में होता है, इसीलिए अब इसको ढककर पकाएंगे 10 मिनट तक। अब इसको चेक कर लेते हैं। सब्जी प्रॉपर तरीके से बनकर रेडी हो गई है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। हेल्दी और टेस्टी पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर और आलू की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको चुकंदर और आलू की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।